पूरे वाटर पार्क की सबसे खतरनाक स्लाइड यही है। Oh no! What did he do? तो ये है दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क का नक्शा। यहाँ से शुरू होता है और चलते जाओगे एक दिन में तो कोई चांस ही नहीं है कि सारी राइड्स की जा सकती हैं। होटल यहाँ पर है, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और सबसे पहले आएगा ये टावर ऑफ नेपट्यून और इसकी ये फेमस राइड द लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ तीन टावर्स हैं, नेपट्यून टावर, साइडन टावर और ट्राइडेंट टावर। एक्चुअली में ये वाली है जो इसके मुंह से निकल रही है, ये है वो खतरनाक लीप ऑफ फेथ वाली स्लाइड। हिज लेग्स आर नॉट क्रॉस्ड, नाउ ही इज क्रॉसिंग इट। लाई बैक आल्सो, बट शी डिडंट लाई बैक। या बट अब इस पॉइंट पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने देखा यूली लेट कर नहीं गई, वो बैठ कर गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुंह के बल गिर गई हो स्लाइड में। यूली सही है क्योंकि वो पीछे लाइट बैक नहीं करी थी। Scary. You made such a big mistake, you didn't lie back. No, I did. Did you? Yeah. It seemed like you were falling like this. Like तो अब इस साइडन टावर में एक ये स्लाइड है, इसका नाम है साइडन्स रिवेंज। आमतौर पर इन स्लाइड्स में इतनी लंबी लाइनें होती होंगी पीक सीजन में, तो एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग आते नहीं है इस वाटर पार्क में इस टाइम पर। एक्चुअली इसका वर्टिकल ड्रॉप तो और भी ज़्यादा लग रहा है। ये तो वही है फिर जिसके नीचे से ज़मीन हट जाती है। ये पहली ऐसी स्लाइड है जिसमें पीठ पर भी कुछ लगाने को देते हैं क्योंकि अपेरेंटली एक लूप है इस स्लाइड में। कहाँ पर है लूप, कैसा लूप है देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूँ ना करूँ। लेकिन Oh my god, you're shaking. You know, the fear is contagious. There was a lady before me and she was too scared. She went in and then went out of it and was like, I'm not doing it. I pay my money to come in. You go now. She goes now. I pay big money to come in. Go. It's a long way to go down the stairs, so might as well take this. Who wants to go down the stairs? Please. Go. And then later her boyfriend came in the slide and they were like, keep your hands like this, and just when the slide was about to go, he had his hands like this, and then everyone started screaming at the top who was waiting in the line, and the instructor was like, no, you're not supposed to do that. Oh no. What did he do? Okay. Nothing will happen to you if you don't do anything. And then I was the next person after that guy. You won't believe it, it also had a loop. It goes down like this and then up like this. It's almost like a loop. And they check your weight. If you're too lightweight, then you can't do it because then you won't cross the loop. बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। On the back it hurts. Back, Moro, back. How was it? What did you do first of all? The one which you stand on and the thing goes away. You're this shaking. This is crazy though. I see some red spots here. Yeah, that's where it hurt actually. Actually here also. Maybe it's scrubbed too hard, I think. But you love it. I love it. So you only did one. This was it took only like one 15, it took 15 minutes. Yeah, because it was so much hype up there. तो ये वो लूप था जिसकी वो बात कर रहे थे, क्योंकि आप उधर से ऐसे नीचे गिरोगे और फिर वापस से ऊपर जाओगे क्योंकि इतनी नीचे स्पीड से नीचे गिर रहे हो, यहाँ से चले जाओगे होपफुली।
अगर आप बीच में ही अटक गए, आपका वेट ज्यादा नहीं है तो वहाँ पे ही अटक जाओगे और फिर किसी को बचाने आना पड़ेगा बीच से। टावर के टॉप पे खड़े होकर पूरे वाटर पार्क का व्यू दिखता है। ये दूसरा टावर है, इसके पीछे पहला टावर और ये तीसरा, क्या नज़ारा है। इस वाली स्लाइड की खास बात यह है कि ये स्लाइड के एंड में चल के एक ड्रॉप होता है पानी के अंदर, काफी हाइट से, पता नहीं कितनी हाइट से देखते हैं। स्पीड बहुत होनी है। कितनी हाइट थी, कोई ज्यादा हाइट नहीं है वैसे। ये वाली का नाम है एनाकोंडा, बिल्कुल ही ऐसे हो रही है, एनाकोंडा नहीं एक्वाकोंडा। I like your hair. Really? Yeah, nice hairstyle. Especially in the back here. Very cool spikes. हम इस इतने बड़े वाटर पार्क की सिर्फ 30% स्लाइड्स कर पाए होंगे। But overall we did 50%, I think. I think 50%. और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है आज का दिन। ये अच्छा दिन नहीं है वाटर पार्क में जाने का। आज का दिन एक्चुअली में फाइनली एक सनी दिन है। कहने के लिए 22 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, लेकिन धूप में खड़े होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम फिर से वाटर पार्क जाएंगे और फाइनली आज मजा ले पाएंगे बिना जमे, होपफुली। वैसे इन पाम आइलैंड का बीच देखो कितना क्लियर है, बहुत ही ब्लू कलर का पानी है। हम शाम को बीच पे भी गए थे वैसे, और बीच का जो सैंड है वो काफी डिफरेंट भी है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये एक्चुअली में पानी के नीचे से निकाल कर बनाया गया। जो पानी के नीचे सैंड था उससे खोद कर निकाल के बनाया गया, तो ये जो सैंड है इसका टेक्सचर और फील काफी डिफरेंट है आमतौर पर जो बीच का सैंड होता है उससे। पाम आइलैंड के आप पाम्स निकलते हुए बड़े क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ 16th फ्लोर से। This is crazy. It's so cold. तो ये तीसरा टावर है एक्चुअली में। हम अब एक ये वाली स्लाइड करने जा रहे हैं जो मैट्स पर पेट के बल लेट कर रेस करी जा सकती है। ये रेस हो रही है। यूनिक टावर है भाई, वेयर आर यू? इट्स माय This water slide is rated severe. Oh my god. यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं तीसरी बार अब वाटर पार्क जा रहा हूँ। तीसरे दिन यूली थक गई है वाटर पार्क जाके, लेकिन मैं नहीं थका। हमारे पास आज एक ही घंटा है, तो चलते हैं जल्दी से स्लाइड्स करते हैं कुछ। आज बीच यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, पीछे एक बढ़िया स्काईलाइन भी है, सब कुछ ब्लू और येलो, बहुत ही बढ़िया है। ये है ओडिसी ऑफ टेरर। Oh
ब्लैकआउट। ये है ट्राइडेंट टावर की सबसे ऊंची स्लाइड। देखो कितने कितने फ्लोर चढ़ने पड़े इस स्लाइड तक पहुंचने के लिए। करीब 9-10 फ्लोर ऊपर खड़ा हुआ मुझे लगता है मैं। स्लांट के हिसाब से ये काफ़ी ख़तरनाक स्लाइड लग रही है। उन्होंने बताया कि ये इस टावर की नहीं बल्कि पूरे वाटर पार्क की सबसे खतरनाक स्लाइड यही है एक्चुअली। ब्लैकआउट यहाँ से ज़्यादा खतरनाक लग नहीं रही क्योंकि ये पहले स्लो जाती है और उसके बाद यहाँ बीच में कहीं पे बहुत ही स्टीप फॉल होता है। मैं थोड़ी सांस ले रहा हूँ स्लाइड में जाने से पहले, इतनी तेज भाग कर ऊपर चढ़ा था। ओके चलते हैं। ओके में था मैं। दुनिया की सबसे खतरनाक स्लाइड, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक स्लाइड नहीं देखी होगी। लेकिन और अब मुझे दोबारा से जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन आपके लिए मैं एक और बार ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने फेस का रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ क्या था जब इस स्लाइड पर मैं गया था। तो पीछे वहाँ बुर्ज खलीफा का व्यू दिख रहा है और बुर्ज अल अरब भी दिखने लग रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल वो ब्लैकआउट राइड का बीच का व्यू है जहाँ पे बहुत ही बड़ी फॉल होती है क्योंकि आप एंगल देख ही सकते हैं कितना स्टीप है ये। देखते हैं कोई स्लाइड से निकल कर आता है कि नहीं, तो पता भी नहीं चला कब आया कब गया। लीप ऑफ फेथ। तीसरे दिन तक इतनी आदत हो गई है स्लाइड्स पर चल चल के कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता अब तो। Apparently it's not like surfing at all. You're not supposed to stand up. Oh my god. अब ये जो आर्टिफिशियल सर्फिंग है इस पे घुटनों पे बैठ के सर्फिंग करी जाती है ना कि खड़े होकर, क्योंकि ये कहते हैं फिर ज्यादा स्टंट्स कर सकते हो। Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo. और फिर हम गए एटलांटिस के एक्वेरियम में जहाँ पर एक मछली यूली के सर पर घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी।